आगे क्या करने जा रहे हैं? देखिए, कल जिस तरीके से रीट के 50,000 करने की मांग को लेकर पिछले 3 महीने से इस पूरे प्रदेश का युवा आंदोलन कर रहा है, ये आंदोलन शहीद स्मारक तक सीमित नहीं था, ये आंदोलन गांव-गांव तक पहुंच चुका था। और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय लगातार रीट के को लेकर बयानबाजी कर रहे थे कि रीट के पद नहीं बढ़ेंगे, गहलोत सरकार के 70 से ज़्यादा MLA, उनके 5 सलाहकार, इन तमाम लोगों ने ये बात कही कि रीट के पद बढ़ने चाहिए। रीट के पद क्यों बढ़ने चाहिए, उसके पीछे हमारा SFI का ये साफ तौर पे मानना है कि पूरे राजस्थान के अंदर 64,500 स्कूलें हैं, उनमें से 3,500 स्कूलें सेकेंडरी हैं और सीनियर सेकेंडरी स्कूलें 12,500 है, बाकी 48,500 8 तक स्कूलें हैं, उनमें अभी पूरे राजस्थान के अंदर 4,50,000 स्वीकृत पद हैं अध्यापकों के, उनमें से 3,70,000 वर्किंग में है। अभी हम देखें राजस्थान सरकार के शिक्षा शाला दर्पण का हमारा पोर्टल है, उस पर 57,000 राजस्थान सरकार ने अभी 10,000 पद इंक्रीज किए हैं, उनके अलावा सेकंड ग्रेड के अंदर, उनके अलावा फर्स्ट ग्रेड के अंदर बहुत सारे पद खाली हैं। हमारा मांग है कि हम सस्ती शिक्षा के लिए और अच्छी शिक्षा व्यवस्था हमारे राजस्थान में कैसे हो, इस बात के लिए स्कूलों के अंदर टीचर होने चाहिए। हम बात इस बात के लिए कर रहे हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर पिछली सरकार ने 22,000 स्कूलें बंद की, उसके बावजूद हमें अभी पूरे राजस्थान के अंदर अगर स्टूडेंटों का सरकारी स्कूलों में पढ़ने का हम आंकड़ा देखते हैं तो पूरे राजस्थान के अंदर सरकारी 64,500 स्कूलों में 99,50,000 विद्यार्थी स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, जो पिछले साल कोविड के एक साल पहले हम देखें तो ये नामांकन था 89,50,000 और इस बार 10,00,000 विद्यार्थी स्कूलों के अंदर बढ़े। अगर उस अनुपात से भी बात करें, स्कूलों के अंदर जिस प्रकार से मार्च अप्रैल तक अध्यापक रिटायर्ड होंगे, इस बात से बात करें तो हम कहते हैं कि एक लाख से ज़्यादा पद राजस्थान के स्कूलों में पद खाली हैं। और इस जायज़ मांग के लिए कि राजस्थान के अंदर 26,00,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने रीट का एग्जाम दिया, रीट 2019 के अंदर ये विज्ञप्ति निकली, उसके बाद में 2020 में इसमें करवाने के 3-4 बार इसको डेट दी गई, लेकिन फाइनली ये एग्ज़ाम 27 सितंबर 2021 को संपन्न हुआ। और जिस प्रकार से 3 बार फार्म रीओपन किए गए और रीओपन के फार्म करने से 5 लाख से ज़्यादा आवेदन वापस आए थे, हमारा साफ तौर से राजस्थान सरकार से मांग है, जिस प्रकार का बेरोजगारी का दंश राजस्थान के अंदर फैल रहा है, आप तमाम लोगों ने मीडिया के माध्यम से भी अभी पता चला है कि राजस्थान पूरे देश के अंदर 2 नंबर के ऊपर बेरोजगारी के अंदर है, राजस्थान शिक्षा के अंदर 16 नंबर पे हैं। हम राजस्थान के अंदर अच्छी शिक्षा व्यवस्था कैसे हो, राजस्थान के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, इस बात की लड़ाई SFI लड़ रही है, रीट का अभ्यर्थी लड़ रहा है। और हम ये मांग कर रहे हैं जिस प्रकार का कल राजस्थान के मुख्यमंत्री के इशारे के ऊपर यहाँ के पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार का हमला रीट के अभ्यर्थी और SFI के ऊपर किया, इसको हम बर्दाश्त तो किसी सूरत में करेंगे नहीं, ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। हम साफ तौर पे आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, राजस्थान सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार ने जो विद्यार्थियों पे, नौजवानों पे जो हमला करने की कोशिश की है और हमला किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमने देखा हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने जो वहाँ पर पत्रकार मौजूद थे उनके ऊपर भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की है, लोकतंत्र का 4th स्तंभ जो हमारा मीडिया है उस मीडिया पर भी हमला करने की कोशिश की है। हम इन तमाम का कड़े शब्दों में विरोध करते हैं, राजस्थान सरकार से ये मांग कर रहे हैं पूरे जोर तरीके से, ये आंदोलन शहीद स्मारक तक अब सीमित नहीं रहा है, ये गांव-गांव तक फैल चुका है, हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अभी ये हमारा आंदोलन धारा 144 जयपुर कमिश्नरेट के अंदर लगा दी है, इसके बावजूद हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज हमें शहीद स्मारक से हटाया है लेकिन हम हमारे गाँव से, हमारे तहसील से, हमारे कस्बे से नहीं हट सकते, हम लोग लड़ेंगे और वापस लौटेंगे। जैसे ही ओमिक्रॉन का प्रभाव कम होता है, जैसे ही सरकार ढील देती है, हम तमाम रीट के अभ्यर्थियों को साथ में लेकर वापस लौटेंगे, इसी जयपुर के अंदर लौटेंगे, इसी शहीद स्मारक पर लौटेंगे। राजस्थान की विधानसभा भी अभी फरवरी के अंदर शुरू होने वाली है और 9 फरवरी तक ये अभी अभ्यर्थियों से आवेदन करवा रहे हैं कि कौन कौन टीचर लगना चाहते हैं, 11,00,000 से ज़्यादा आवेदन आने वाले हैं। हम उन तमाम लोगों को लेकर जो टीचर बनना चाहते हैं, तमाम विद्यार्थियों को साथ में लेकर इसी जयपुर की सड़कों पर आएंगे, राजस्थान सरकार का घेराव करेंगे और हमारा आंदोलन आगे जारी रहेगा। हमारा आंदोलन इस कदर तक चलेगा, राजस्थान का कांग्रेस पार्टी का कोई भी विधायक गांव के अंदर नहीं घुस पाएगा, उनका विरोध जारी रहेगा। यही बात कहने के लिए हम तमाम लोगों को आपको बुलाए।